परिसर में जाने का वो जी आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो अत्याखाने पूजा करने जरूर जाएगा जी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। पूजा पाठ करेंगे? देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालिक सरकार ने उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं पूजा पाठ है उसको पुनः बहाल किया जाए, और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। पूजा पाठ होती थी तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इतिहाम अबलात कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया, कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि हम प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई, आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर ऊपर टीका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बनता उस समय भी कोई लिखित आदेश? कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर? देखिए देखिए जो आदेश है इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे, बादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है।